To get the review of places, subscribe Bilali Dastan and hit the bell button icon to watch the video first. Subscribe Bilali Dastan now. नमस्कार दोस्तों, बिलाली दास्तान में स्वागत है। तो आज हम आपको बहुत बढ़िया जगह ले जाने वाले हैं, जो है एक फाइव स्टार होटल जिसका नाम है रिट्स कार्ल्टन। रिट्स कार्ल्टन पूरी दुनिया में है, बहुत ही मशहूर होटल है। ये मैरियट चेन है, मैरियट इसका पेरेंट होटल चेन है। तो आप समझ सकते हैं रिट्स कार्ल्टन कितना बढ़िया होटल है, और इसकी पूरी हर कंट्री में ये आपको मिलेगा। तो उसी का आज हम रिव्यू देने वाले हैं, लेट्स बिगिन। एंट्री करते ही आपको मालूम हो जाएगा कि बहुत ही बड़ा होटल है और बहुत ही बढ़िया एम्बियंस। इसका एम्बियंस तो इसका लाजवाब है, उसका क्या कहने। तो यहाँ की एक एक चीज़ इतनी बढ़िया है। तो हम जब अंदर एंट्र होते हैं तो उसके बाद आपको फोर्थ फ्लोर पे था मार्केट, जो रिट्स कार्ल्टन में रेस्टोरेंट है, था मार्केट, वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पे एक्चुअली बफे रेस्टोरेंट है, तो मार्केट में हम एंटर करे तो बाहर ही एक बड़ा सा टेडी बियर खड़ा हुआ था, और वो टेडी बियर ने हाथ मिलाया, हमारा वेलकम किया। मार्केट में एंटर होते ही एक बहुत ही एक्सटेंसिव बफे हमने देखा, कि हर तरफ खाने की ही चीज़ें थी। बहुत ही बेहद बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ पे हम गए अंदर। हमारी सीट रिजर्व थी, तो वहाँ पे हमारा वार्म वेलकम किया गया और हमें जहाँ पे बैठना था वहाँ पे ले जाया गया। उसके बाद जब हम वहाँ बैठे तो वहाँ पे हमारे स्टार्टर्स लाए गए। वहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी थी, इवन वहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी के लिए थे वो भी आके कह रही थी कि इफ़ वी वांट दे कैन क्लिक अवर फ़ोटो। तो वो मींस हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, कि आपको वहाँ पे कंफर्ट बिल्कुल फील कराने के लिए वहाँ पे बिल्कुल था। बफे में यहाँ पे आपको लाइव काउंटर में पास्ता और पिज़्ज़ा भी मिलेगा। तो जो लोग पिज़्ज़ा और पास्ता पसंद करते हैं, यहाँ पे आपको उसका लाइव काउंटर में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको टेबल पे ही आके भी सर्व करते हैं, तो आपको जो चाहिए आप बस वहाँ पे कहिए और वहाँ पे आपके सामने चीज़ हाजिर। लेकिन एक बात बता दूँ तुम लोगों को कि है, हाँ यहाँ मिलता तो वैसे वेज भी है, बट वेज वालों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था। क्योंकि जब यहाँ पे मैं पहुँचा, क्योंकि तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ नॉनवेज ही नॉनवेज दिखेगा हर तरफ। तो वहाँ पे मैंने पूछा भी वेज आइटम्स कहाँ पे हैं, तो उन लोगों को भी कुछ नहीं मिला। वेज में सिर्फ तीन चीज़ें थी, एक मंगौड़ी आलू, एक भिंडी मसाला और एक दाल। इन तीन चीज़ों के अलावा बफे में कुछ भी वेज नहीं था, सब कुछ नॉनवेज था। नॉनवेज वालों के लिए, अगर नॉन वेज खाते हैं आप, तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है। यहाँ पे आपको नॉन वेज ही नॉन वेज मिलेगा। लेकिन अगर आप मेन कोर्स की बात करें तो वेज के लिए हर तीन आइटम थे। उसके अलावा यहाँ पे वेज के काफ़ी आइटम्स हैं। डेजर्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पे, एक्सटेंसिव है। आपको पैन केक्स खूब सारे मिलेंगे, पेस्ट्री, मालपुआ, रसगुल्ला, मतलब छेने की मिठाई, चॉकलेट, बर्फ़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। बफे में आपका जो इंक्लूड होगा, कोई भी बीवरेज इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ आपका जो लंच होगा या डिनर होगा और टी या कॉफ़ी, डेट्स इट। आपको कोई भी अगर एक्स्ट्रा बीवरेज चाहिए उसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। बजट मैं आपको बता देता हूँ आपको, कि अगर आप वीक डेज में जा रहे हैं तो आपका 1750 प्लस टैक्स है पर पर्सन, और अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं तो आपका 2750 प्लस टैक्स है। अगर दो लोग जा रहे हो तो 5500 का आप मिनिमम बिल मान के ही चलिए, क्योंकि ये फाइव स्टार होटल है, इसका एम्बियंस 5 out of 5 है, खाना भी 5 out of 5 है, हर चीज़ आपको यहाँ पे बेस्ट मिलेगी। तो आपका बिल भी बिल्कुल बेस्ट ही आना है। बफे के साथ साथ वहाँ पर आपको लाइव म्यूजिक भी मिलेगा, जहाँ पे एक ये भाई साहब गा रहे होंगे, और आपको सारे इंग्लिश के अच्छे अच्छे गाने मिलेंगे, ये आपको सुनाएंगे।
मोर ओवर वहाँ पे आपको ज़्यादातर फॉरेनर्स मिलेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा होटल है, तो इस ज़्यादातर यहाँ पे फॉरेनर्स आपको ज़रूर मिलेंगे बफे करते हुए। तो दिस इज़ ए प्लेस। तो एंड में बस यही कहना चाहूँगा, इस रेस्टोरेंट का बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इस रिट्ज़ कार्टन में ज़रूर जाएं। इसका एम्बियंस लाजवाब है, खाना अच्छा है, वेज में आइटम्स कम है, मेरा यही सजेशन है कि वेज में थोड़ा आइटम बढ़ाने चाहिए। ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस, एक बार खाना खाना तो यहाँ पे बनता है। तो अब जब इतने खाने की बात कर रही है तो एंड में इनका रेस्ट रूम भी दिखा देता हूँ, जो भी कुछ कम नहीं था। ये देखो पेड़ पौधे, तो बस पेड़ पौधे देखो और इन्हें पानी दो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो रिट्ज़ कार्ल्टन का तो लाइक मारो, शेयर मारो और बिलारी दास्तान को सब्सक्राइब करो, उसकी नीचे जाके मार दो जो लाल डब्बा है मगर प्यार से। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीकेंड। तो अभी के लिए बिलारी दास्तान को सब्सक्राइब मार के, वीडियो शेयर मार के, लाइक मार के, कमेंट करो फटाफट करो। और अगर यार तुम लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कराया तो करते क्यों नहीं हो यार, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं इतने सारे, अपना जोमेटो का वेरीफाइड तुम्हारा चैनल है, और क्या उम्मीद करते हो अपने भाई से। जितने भी लिंक है वहाँ पे जाके यार पेज को, फेसबुक पेज को लाइक मारो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और क्या लोगे, ट्विटर पे फॉलो करो। तो बस वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बिलाली दास्तान को सब्सक्राइब करना। हैप्पी वीकेंड, मिलते हैं अगले वीकेंड।